दोस्तों, अगर आप BSNL उपभोक्ता हैं और आप अपने BSNL नंबर पर 2 GB पर डे के हिसाब से रिचार्ज करवाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से प्लान हैं जिसके अंदर हमें अच्छी खासी वैलिडिटी मिलती है और 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलता है BSNL के अंदर, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सा रिचार्ज करवाना चाहिए। तो इसके लिए हमें BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां पर आ सकते हैं उस पर क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो अब आप कहीं भी भारत में किसी भी राज्य से हो और आपको 2 GB पर डे के लिए रिचार्ज करवाना है तो आपको हर राज्य के लिए अलग से रिचार्ज मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है, देखिए मोबाइल एंड डेटा, ये BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको मोबाइल एंड डेटा वाले बटन पर क्लिक करना है। ऊपर जो मेनू बार है उसके अंदर यहाँ पर आपको प्रीपेड ट्रैफिक प्लान, ठीक है दोस्तों, इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पेज आपके सामने ओपन हो गया है। अब आपकी जो स्टेट है वो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कोई भी स्टेट है भारत की, आपको यहाँ पर देखिए सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप यहाँ से अपने स्टेट सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने प्लान आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने हरियाणा की यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करी है। तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारे सभी प्लान। ठीक है दोस्तों, आपको ऊपर भी यहाँ पर पॉपुलर प्लान दिखाई देंगे, जो पॉपुलर प्लान अभी BSNL में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा चाहिए और वैलिडिटी भी अच्छी खासी चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए डेटा वाउचर, इस बटन पर क्लिक करना है। डेटा वाउचर पर आ गए हम, अब आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे मैंने सर्च कर रखा है यहाँ पर, वैसे तो बहुत प्लान है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये इतने सारे प्लान हैं। अब आपको यहाँ पर 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 GB पर डे के लिए लगा देता हूँ। देखिए 2 GB पर डे के अंदर हमारे पास 6 प्लान है। ठीक है दोस्तों, 6 प्लान में से हमारे लिए बेस्ट प्लान कौन सा है वो देखते हैं। और सबसे पहले तो इसमें जानते हैं कि हमारे हमें 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से मिलता है कि ना मिलता है, तो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्लान है 97 रुपये का, जिसके अंदर 15 दिन की वैलिडिटी मिलती है और इसके अंदर आपको देखिए मुंबई एंड दिल्ली अनलिमिटेड डेटा स्पीड रिड्यूस टू 40 KB आफ्टर 2 GB पर डे के हिसाब से। अगर आपका 2 GB पर डे का डेटा खत्म हो जाता है तो उसके बाद 40 KB पर सेकंड के हिसाब से डेटा मिलेगा। इसके अंदर लोक धुन कंटेंट यानी कि आपको हेलोटून फ्री मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्लान है डेटा टी सुनामी 98, ये 98 का रिचार्ज करवाते हैं अपने BSNL सिम के अंदर तो आपको 22 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, अनलिमिटेड डेटा मिलता है। ठीक है, और 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलेगा। इसके अंदर 2 GB पर डे का डेटा खत्म होने के बाद सेम वही रहेगा, 40 KB पर सेकंड के हिसाब से आपको स्पीड मिलेगी और 22 दिन की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा तीसरा प्लान आता है, वो है 198 रुपये का। अगर आप अपने BSNL सिम में 198 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो 40 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, सेम वही रहता है, 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलता है। लोक धुन बुल्डिंग चैलेंजर्स अरीना मोबाइल गेमिंग सर्विस और प्रोग्रेस वी ऐप, ऐसा कुछ आपके अंदर इसके अंदर आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा 411 रुपये का रिचार्ज। अगर आप अपने BSNL सिम में 411 का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 90 दिन की कैलेंडर वैलिडिटी मिलती है, पूरे 90 दिन मिलेंगे, अनलिमिटेड डेटा रहेगा, 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलेगा, SMS आपको उसके अंदर मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 788 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 180 दिन की कैलेंडर डे वैलिडिटी मिलती है, पूरे 180 दिन मिलेंगे, कोई 28 पर डे का पर मंथ का सीन नहीं रहेगा, यानी कि जैसे 6 महीने के अंदर 28 डे के हिसाब से जोड़ा जाए तो वैसा नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 180 कैलेंडर डे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको वैलिडिटी 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलेगा और वैलिडिटी इसके अंदर 180 दिन की रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा 1515 रुपये का रिचार्ज। ठीक है, आप अपने BSNL सिम में 1515 रुपये का रिचार्ज करवा लेंगे तो आपको 365 दिन यानी कि पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जिसके अंदर 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलेगा और SMS आपको उसके अंदर मिलेंगे, हेलोटून लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे BSNL के 2 GB पर डे के हिसाब से रिचार्ज प्लान। अगर आपको मैं बताऊं, जो मैं रिचार्ज करवाता हूं मेरी सिम में, मेरे पास BSNL का नंबर है, मैं उसके अंदर 411 रुपये का रिचार्ज करवाता हूँ दोस्तों। ठीक है, 411 का रिचार्ज करवा लेता हूँ जिसके अंदर मुझे 90 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है और जब मैं कहीं बाहर होता हूँ घर पे तो मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है यानी कि ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, जब मैं बाहर जाता हूँ
तो मेरे को इसमें इस डेटा से काम चल जाता है, यानी कि जो व्हाट्सअप चेक करना है या फिर कोई छोटा मोटा इधर उधर कोई मैसेज सेंड करना है तो वो हमारा इससे काम चल जाता है। फिर भी अगर आपको छोटा रिचार्ज करवाना है, अपनी सिम को चालू रखना है, वो 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलता रहे, तो आप 198 रुपये का रिचार्ज करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरे 1.5 महीने यानी कि 40 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। 1.5 महीना तो नहीं, 40 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये थे BSNL के 2 GB पर डे के हिसाब से हरियाणा के प्लान। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप यहाँ पर अपनी कोई भी स्टेट को सिलेक्ट करके अपना जो रिचार्ज प्लान है अपनी स्टेट का वो देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे ये अभी एक बार, हाँ ये खुल गया। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी अपनी स्टेट है, झारखंड है, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, मेघालय है, जो भी है। चलो मैं यहाँ पर गुजरात के दिखा देता हूँ। देखिए गुजरात के प्लान आ गए हमारे। अब यहाँ पे डाटा वाउचर पर क्लिक करते हैं और 2 GB पर डे के हिसाब से लगाते हैं, 2 GB पर डे। ठीक है दोस्तों, देखिए हर स्टेट के लिए अलग अलग प्लान है, जैसे इसके अंदर 1 दिन की वैलिडिटी के लिए ये प्लान आ गया। ठीक, इसी प्रकार से आप अपनी स्टेट का सिलेक्ट करके यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपको 2 GB पर डे के लिए BSNL के अंदर कौन सा रिचार्ज करवाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।